साथ बढ़ रहा है, क्योंकि ये भी एक्सपर्ट्स की तरफ से कहा गया है कि जो मई का टाइम चल रहा है ये पीक टाइम है, ऐसे में और ज्यादा रफ्तार के साथ संक्रमण लोगों को अपनी चपेट में लेगा, इसीलिए सावधानी सतर्कता बरतने की जरूरत है। लेकिन पहले राज्य सरकार की तरफ से यह फैसला लिया गया था कि 6 मई तक ही, यानी कि गुरुवार सुबह तक ही लागू रहेगा, अब इसे बढ़ा दिया गया है, यानी कि सोमवार तक अब सभी जो दुकानें हैं, जो ऑफिसेज हैं, वो पूरी तरीके से बंद रहेंगे, ये बड़ा ऐलान किया गया है। इसके साथ ही साथ, क्योंकि कोशिश यही है कि जो भीड़भाड़ वाले इलाके रहते हैं, और खासतौर पर यह फैसला इसलिए लिया गया था क्योंकि पंचायत चुनाव खत्म हो चुके हैं, ऐसे में कई लोग वापस अपने अपने घरों को लौटेंगे, वहां किसी तरीके का खतरा ना बढ़ जाए और जो सैनिटाइजेशन का काम है वो तेजी के साथ हो सके, इसी के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। राज्य सरकार की तरफ से भी कोशिशें की जा रही हैं, क्योंकि एक एक करके मीटिंग्स का दौर भी चल रहा है और फीडबैक लिया जाता है, समीक्षा की जाती है, उसी के आधार पर ये डिसीजंस दिए जा रहे हैं। तो जिम्मेदारी अधिकारियों के ऊपर भी अब और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि आपको याद होगा कि टीम 11 के अधिकारियों के साथ पहले समीक्षा होती थी, लेकिन अब इसे भंग करके टीम 9 कर दिया गया है और रोजाना मुख्यमंत्री खुद अपडेट ले रहे हैं। और जैसे जैसे ये केसेस सामने आ रहे हैं, क्योंकि अप एंड डाउन लगातार इसमें लगा हुआ है, कभी रिकवरी रेट तेजी के साथ ठीक हो जाता है तो जो लोग हैं वो भी ठीक हो रहे हैं, लेकिन मौत का आंकड़ा जिस तरीके से प्रदेश में देखा जा रहा है उसको ठीक करने की कोशिश है कि संक्रमण का ये जो दायरा है, ये जो चेन है, उसको तोड़ा जा सके ताकि और ज्यादा लोग इससे प्रभावित ना हो। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे लखनऊ का, जहां से हमारे साथ हमारे सहयोगी पवन सिंगर इस वक्त जुड़ गए हैं। पवन, अब लॉकडाउन जो है और ज्यादा बढ़ा दिया गया है सोमवार तक के लिए। हाँ बिल्कुल, इसको कोरोना कर्फ्यू के नाम से उत्तर प्रदेश सरकार ने आदेश जारी किया है और सोमवार सुबह 7 बजे तक ये कर्फ्यू लागू रहेगा। और इसका अंदेशा पहले ही हो गया था, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें ई पास की व्यवस्था की गई कि कुछ आवश्यक सेवाओं को छोड़ करके बाकी सभी लोग ई पास बनवाएं घर से बाहर निकलने को लेकर के। आज से एक दस्तक अभियान शुरू कर रही है उत्तर प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में, जो 5 दिनों तक चलेगा, यानी ट्रेस करके टेस्टिंग करने का प्रोसीजर है कि आरटीपीसीआर किया जाएगा ग्रामीण क्षेत्रों में, और वो 10 तारीख तक चलेगा। और जैसा कि आपको पता है कि 2 तारीख से पंचायत चुनाव की काउंटिंग चल रही थी, उसमें तमाम भीड़ देखने को मिली, तमाम अनियमितताएं देखने को मिली, इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए ये कर्फ्यू जो है वो 10 तारीख तक बढ़ा दिया गया है, यानी सोमवार की सुबह 7 बजे तक। और इस बीच चाहे वो सैनिटाइजेशन का काम हो, टेस्टिंग का काम हो, क्योंकि ये जो नया थ्रेड है 2 से 3 दिन के अंदर उसके सिम्टम्स दिखाई देने लग रहे हैं। अगर पंचायत चुनाव के दौरान जो अव्यवस्थाएं हुई, तमाम सारी बातें निकल करके आई, अगर उसमें अगर कोरोना संक्रमण बढ़ता है तो वो 2 से 3 दिनों के अंदर उसके सिम्टम्स दिखाई देने लगेंगे। और ग्रामीण स्तर पे जो चेकिंग अभियान शुरू किया गया है, टेस्टिंग अभियान शुरू किया गया है, उसमें वो लोग चिन्हित कर लिए जाएंगे तो उनको आइसोलेट किया जाएगा या क्वारंटाइन किया जाएगा अगर आइसोलेशन की व्यवस्था नहीं होगी, या जरूरत पड़ी तो आने वाले समय में जो तमाम कोविड हॉस्पिटल्स बढ़ाए जा रहे हैं उसमें एडमिट किया जाएगा। तो इन तमाम प्रोसीजर्स के लिए 4 से 5 दिन का और वक्त चाहिए था, जिसको लेकर के सरकार ने अब 10 तारीख तक ये पूरा लॉकडाउन जो है वो बढ़ाने का काम किया है। तो ये तमाम सारी कवायद इसलिए है कि बहुत ज्यादा पैनिक ना हो और स्थिति को कंट्रोल में किया जा सके, और जो लोग संक्रमित हैं उनको ट्रेस करके उनकी टेस्टिंग किया जा सके और उनकी समुचित व्यवस्था सरकार द्वारा किया जा सके। बिल्कुल पवन, और देखिए ये सब कुछ समीक्षा करने के बाद ही कोरोना कर्फ्यू आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया है, लेकिन क्योंकि गांव में स्थिति संक्रमण को अपनी चपेट में ले रही है, गांव में स्थिति ऐसी देखी जा रही है, इसलिए ज्यादा फोकस अब गांव पर भी है राज्य सरकार का कि वहां बहुत ज्यादा लोग जो है इसकी चपेट में ना आए। हाँ बिल्कुल, उसी लिए आज से एक अभियान शुरू किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में। 97,000 से ज्यादा जो ग्रामीण क्षेत्र इलाके हैं वो चिन्हित कर लिए गए हैं और वहां पे टेस्टिंग का प्रोसीजर्स आज से शुरू हो गया है और ये लगातार चलेगा।
यही कारण है कर्फ्यू का कि इस कर्फ्यू में लोग घर में रहेंगे और सही तरीके से लोगों के लक्षण सिम्टम्स अगर आते हैं तो उनको ट्रेस किया जा सकता है। उसके अलावा सैनिटाइजेशन का प्रोसीजर्स लगातार चल रहा है और जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो तमाम सारे औद्योगिक और जो इमरजेंसी सेवाएं हैं उनको चालू करते हुए सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि इन सारी सेवाओं के अलावा अगर कोई घर से बाहर निकलना चाहता है या कोई इमरजेंसी पड़ती है तो उसके लिए ऑनलाइन प्रोसीजर्स अपना करके अपना ई पास जारी करवाए, कारण बताए और उसको कोई एक से दो घंटे के अंदर ही ई पास जारी कर दिया जाएगा और वही लोग बाहर निकले। मतलब अब सरकार और ज्यादा स्ट्रिक्ट होगी, यानी अब बहुत सारे लोग सड़कों पे दिखाई दे रहे थे पिछले दिनों, अब आने वाले दिनों में उनको अगर उनके पास पास नहीं होता है तो उनके खिलाफ चालान क्या एक तरीके से कार्रवाई की जाएगी, उसके अलावा उनकी गाड़ियां सीज की जाएंगी अगर रोड पे निकल करके आता है। बिल्कुल, तो बने रहिएगा पवन, हमारे साथ लौटेंगे आपके पास। और अलग अलग जगहों से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, अयोध्या से मनमीत हमारे साथ जुड़ गए हैं, सहारनपुर से शोएब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मथुरा से कन्हैया हमारे साथ जुड़ गए हैं और कानपुर से संकल्प दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन अयोध्या का सबसे पहले लेते हैं, मनमीत के पास चलते हैं। मनमीत जरा बताइए अयोध्या में क्या स्थिति है फिलहाल कोरोना की? देखिए, संक्रमण की रफ्तार यहाँ पे अभी थमी नहीं है अयोध्या के अंदर, और अगर देखा जाए तो लगातार उसकी संख्या जो है कुछ न कुछ बढ़ रही है। ऐसे में जो सरकार ने लॉकडाउन को बढ़ाने का निर्णय लिया बहुत ही अच्छा निर्णय है, महत्वपूर्ण निर्णय है, क्योंकि सबसे जरूरी है कोरोना संक्रमण के चैन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन को एक समयबद्ध तरीके से उसको बनाया जाए। तो अब क्योंकि एक 5 दिन का समय मिल जाएगा और इसमें जिस तरीके से सरकार ने एक अभियान भी किया है कि ग्रामीण स्तर पे जाकर लोगों की जांच की जाएगी, तो ये एक बड़ा मौका मिल जाएगा जो संक्रमण को तोड़ सकते हैं। जो लोग संक्रमित हैं उनको चिन्हित किया जा सकता है, जो बहुत ही कम संक्रमित है उनको दवाइयों के माध्यम से उनको ठीक किया जा सकता है। तो ये एक तरीका बहुत महत्वपूर्ण है। और आपको मैं तस्वीर भी अपने पीछे की दिखाता हूँ, देखिए जो क्योंकि ये मोहल्ला है, ये क्षेत्र है, पूरा तरीके से इस समय बंदी का जो असर है, जो लॉकडाउन का असर है, वो पूरी तरीके से यहाँ देखने को मिल रहा है। अमूमन पूरे शहर में यही स्थिति है कि कोई भी व्यक्ति इस समय घर से नहीं निकल रहा, और जनता भी चाहती है कि जिस तरीके से डेथ रेट बढ़े हैं, जैसे जैसे संक्रमण बढ़ा है और सही ढंग से उनको इलाज करने में दिक्कत आई है, तो ऐसे में वो खुद सरकार का साथ दे रहे हैं और वो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से संक्रमण को रोका जाए, इसकी चैन। बिल्कुल, जनता भी चाहती है किसी भी तरीके से संक्रमण को रोका जाए। बने रहिएगा हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। सहारनपुर चलते हैं, शोएब हमारे साथ जुड़े हैं। शोएब जरा बताइए वहां पर क्या स्थिति है और राज्य सरकार के इस फैसले का, जो कोरोना कर्फ्यू बढ़ाने का ऐलान किया गया है, उसको कितना सपोर्ट कर रही है वहां की जनता? बात एक तरीके से जो बातें हैं है कि कोरोना को रोकने का एकमात्र अगर अभी जो फॉर्मूला है वो लॉकडाउन ही है, क्योंकि वैक्सीनेशन उस तरह से अभी नहीं हो पा रहा है जिस तरह से एक उम्मीद थी कि शायद सबको वैक्सीन लग जाएगी तो कोरोना की से कम छुटकारा मिलेगा। ऐसे में सरकार की तरफ से कदम उठाया गया है जिसका स्वागत लोग कर रहे हैं, और लोगों की जहां तक बात है तो उनको ये बात पता है कि अगर जिंदगी बची रहेगी तो वो तभी काम करेंगे, अगर जिंदगी ही नहीं बचेगी तो फिर इस तरह से बाहर निकलना और ये तमाम जो चीजें हैं, कम से कम कहें कि पुलिस की तरफ से अब ज्यादा सख्ती बरती जा रही है। कल तक हमने देखा कि जिले में काउंटिंग हो रही थी, लोग काउंटिंग स्टेशन के बाहर खड़े हुए थे अपने अपने जो उनके जो उम्मीदवार थे उनके समर्थक में, लेकिन अब चूंकि काउंटिंग पूरी हो चुकी है और पंचायत चुनाव भी खत्म हो चुके हैं, ऐसे में लोगों को साफ तौर पर पुलिस की तरफ से हिदायत दी गई है, और चूंकि अब लॉकडाउन बढ़ भी गया है, खासतौर पर सहारनपुर की अगर बात की जाए तो यहाँ के ग्रामीण इलाकों में जिस तरह से केसेस बढ़े हैं वो एक चिंता का विषय प्रशासन के सामने है। इसीलिए आज टेस्टिंग भी हो रही है और किट भी दी जा रही है, कई गांव में लोगों को अगर कोई भी संक्रमित है या किसी को सिम्टम्स है तो उनके एक तरीके से चेकिंग की जा रही है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि प्रशासन की तरफ से अब यही उम्मीद रहेगी और कोशिश भी रहेगी कि सख्ती के साथ जो लॉकडाउन और बढ़ाया गया है इसका पालन कराया जाएगा, जो चैन बनी हुई है एक तरीके से संक्रमण की। बिल्कुल, प्रशासन के सामने भी और ज्यादा चुनौतियां हो जाती है कि सही तरीके से इसका पालन करवाया जाए। आप बने रहिएगा हमारे साथ। कानपुर से हमारे साथ संकल्प दुबे भी जुड़े हुए हैं। संकल्प, जिस बात का जिक्र शोएब अभी कर रहे थे कि अब लोग भी ये बखूबी समझ चुके हैं कि जान है तो जहान है, अगर जान बचा लेंगे तो फिर व्यापार धंधे भी अच्छी तरीके से चलेंगे, कानपुर में क्या हालात देख रहे हैं आप?
देखिए, चूंकि व्यापारिक दृष्टिकोण से कानपुर एक इंडस्ट्रियल एरिया है और लगातार यहाँ पे कई ऐसी इकाइयां हैं जहां पे अलग अलग जिलों से मजदूर भी आते हैं, तो ऐसे में एक लगातार बड़ी चुनौती पिछले समय भी प्रशासन के लिए रही है, क्योंकि लगातार जो संख्या है कोविड मरीजों की वो बढ़ती जा रही है और इसके साथ ही मौतों के आंकड़े को रोकने के लिए एक चेन को रोकना बेहद जरूरी है। ऐसे में लगातार पिछले अभी मतगणना की बात की जाए तो कई ऐसी तस्वीरें आई थी जहां पे सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती नजर आई थी। फिलहाल गाँव में अभियान शुरू कर दिया गया है और वो सहूलियत से तभी किया जा पाएगा जब पूरी तरीके से लोग घरों में कैद होंगे और लगातार अब पुलिस के अधिकारियों के लिए एक बड़ी चुनौती जरूर है, क्योंकि पिछले दिनों लॉकडाउन का अनुपालन शहरी इलाकों में तो दिखा लेकिन ग्रामीण इलाकों में इसका अनुपालन उस तरीके से नहीं देखा गया। ऐसे में पुलिस के अधिकारियों ने एक बैठक करके रणनीति तैयार कर ली है, क्योंकि अब सरकार का आदेश है और भारी संख्या में टेस्टिंग भी जारी रखनी है, वैक्सीनेशन भी होना है। ऐसे में ये सहूलियत दी जा सकती है, वैक्सीनेशन जो लोग करवाने जा रहे हैं उनको वैक्सीनेशन सेंटर तक जाने की और जांच के लिए जो टीमें हैं वो लगातार अब ये सुनिश्चित करेंगी कि उन कंटेनमेंट जोन्स में ज्यादा फोकस हो, वहां पे किसी तरह का मूवमेंट ना हो, क्योंकि कंटेनमेंट जोन्स में भी प्रशासन की लापरवाही पिछले दिनों देखने को मिली थी जहां पे भी लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है। तो ऐसे में अब ये माना जा रहा है कि सख्ती से अनुपालन कराया जाएगा, जो प्रावधान जुर्माने का है वो सख्ती से अनुपालन अब और ज्यादा करवाया जाएगा। सरकार ने कन्हैया वहां से जुड़े हुए हैं कन्हैया, क्योंकि ग्रामीण इलाकों की स्थिति अब बहुत ज्यादा ठीक नहीं नजर आ रही है, ऐसे में ये जो कदम उठाया गया है मथुरा में कैसा असर नजर आ रहा है फिलहाल कोरोना कर्फ्यू का? देखिए, कोरोना कर्फ्यू को लेकर कहीं कहीं लापरवाही तो नजर आ रही थी, लेकिन जिस तरीके से एक्सपर्ट अपनी जो राय सूचे शासन को सरकार को दे रहे थे उनका कहना यही था कि जो कर्फ्यू है उसको लागू किया जाए, उसकी सीमा को बढ़ाया जाए। आज फिर वही सीमा बढ़ाई गई है तो कहीं ना कहीं उसका जो असर है वो देखने को मिलेगा। जो कोरोना की चेन है उसको तोड़ने का एकमात्र यही उपाय है कर्फ्यू और लॉकडाउन के साथ ही इसको तोड़ा जा सकता है। तो जो एक्सपर्ट लोग कई दिन से कह रहे थे कि कर्फ्यू को बढ़ाया जाए, इसकी सीमा अवधि बढ़ाई जाए, तो जब उसकी अवधि बढ़ाई गई है तो कहीं ना कहीं इसका लाभ मिलेगा और व्यापारी वर्ग ने भी इसका स्वागत किया है। उन लोगों का कहना है कि ये बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि अगर जिंदगी बचेगी तो व्यापार भी चलेगा, तो लोग इसको पॉजिटिव ले रहे हैं और बहुत अच्छा एक रिस्पॉन्स लोगों का भी मिल रहा है। कहीं ना कहीं सब लोग चाहते हैं कि कड़ाई से इसका पालन हो, तो जो लोग बेवजह घर से बाहर निकल रहे हैं पुलिस और प्रशासन भी उसकी खास तैयारी कर रहा है और जब टीमें ग्रामीण क्षेत्रों में लगाई जा रही है, टेस्टिंग को बढ़ाया गया है। बिल्कुल, लोग भी इस बार संक्रमण की गंभीरता को समझ रहे हैं और शायद इसी वजह से जो सरकार की तरफ से स्टेप्स उठाए जा रहे हैं उनका भी पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।